सुना है इसका नाम है गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। जिस तरह के स्ट्रक्चर बनाए हैं, स्टॉक में बॉटम कंप्लीट हुआ करीब 143-144 के आसपास, वहां से बढ़िया बाइंग देखने को मिली है और उसके बाद एक कंसोलिडेशन बना हुआ था, उसमें ट्रायंगुलर पैटर्न बनाया, उसका ब्रेकआउट देखने को मिला है। फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी वीकली चार्ट पर होता हुआ नजर आया है। ये सारी चीज ये इंडिकेट करती है स्टॉक में बड़ा अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है। 153.50 CMP है, स्पॉट के लेवल है, यहाँ पर बाय करके चलेंगे। पहला टारगेट 158 का होगा, वो भी निकालता है तो 161 तक के भी अपसाइड मूव गेल में देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 150 का। पिट्टी इंजीनियरिंग, और पिट्टी इंजीनियरिंग देखिए, ये स्टॉक मैंने पहली बार जेम्स में दिया है, बट हमारी टीम ने शायद ये स्टॉक जी बिजनेस टीम ने ये कवर किया हुआ और बहुत पहले और बहुत निचले लेवल्स में कवर किया, मुझे लगता है हंड्रेड्स के फिगर्स में किया, और ये कंपनी गजब की है। और तभी भी मैं देखा था कि भाई ये मेरे से कैसे छूटा, तो उस टाइम पे रीजन कोई चीज और आया, एक डेट्स का था, और उस टाइम में मैं डेट्स वाले स्टॉक्स नहीं देता था क्योंकि मैं डरता था, क्योंकि जैन साहब के जेम्स कोरोना काल के दौरान शुरू हुआ था, सो आई वॉज एंटी डेट कंपनी, मतलब एनालिस्ट में थोड़ा डेट्स को कंट्रोल में रखते हुए डेट्स वाली कंपनियों को रखता बोलता एनालाइज करता था। बट एनीवेज अब ये है कि ये कंपनी बहुत बढ़िया कर रही है और रिजल्ट्स बहुत बढ़िया दे रही है, 1983 से कार्यरत है, प्रमोटर्स बहुत एक्सपीरियंस्ड है और कंपनी की ऑर्डर बुक पोजीशन बहुत स्ट्रांग है, और ये जिस सेगमेंट में है वहां पे काफी पावर लगता है मुझे। देखिए पावर में, माइनिंग में, लॉजिस्टिक्स में, इनके जो मटेरियल्स है, जो इनके ये प्रोड्यूस करती है, प्रोडक्ट्स यूज होते हैं, इलेक्ट्रिक लैमिनेशन, डाईकास्ट रोटर्स और ये सब बनाती है, सो कुल मिला के एक इंजीनियरिंग कंपनी है और शीट मेटल कंपोनेंट्स और ये सब बनाती है। मार्केट कैप देखिए 1000 करोड़ के लगभग पहुंच गया है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 18% है, रिटर्न ऑन इक्विटी 20% है, और पिछले 3 साल की प्रॉफिट की कैगर अमेजिंग रही है 28%, 5 साल की प्रॉफिट की कैगर देखें तो 66% है, सेल्स की ग्रोथ भी 5 साल की 27% के लगभग है, तो पिछले 5-6 साल गजब के गए हैं कंपनी के। और रिजल्ट्स भी देखा जाए तो जब ये स्टॉक पहले दिसंबर 2020 तक 7 करोड़ 10 करोड़ ऐसे कमाती थी और अब ये 20 करोड़ की रेंज में आ गई है, सो 21 करोड़ का पैट था, 20 करोड़ का पैट था मार्च 2020 में, और अगर आप टीटीएम बेसिस में देखें तो 52 करोड़ का पैट, मतलब पिछले टीटीएम में 12 महीने का ही रहा है। और उससे भी बढ़िया चीज, प्रमोटर्स की स्ट्रांग करीब 60% के लगभग स्टेक है, और जब हम ये देखते हैं अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देखते हैं तो FIIs DIIs भी थोड़ा थोड़ा लेने लगे हैं और पब्लिक शेयर होल्डिंग में भी कुछ नामी ग्रामी इन्वेस्टर्स इन्वेस्टेड है, सो आई फील कि ये स्टॉक को बिल्कुल इन लेवल्स पे लेना चाहिए। रेटिंग्स को देख रहा था तो बहुत बढ़िया रेटिंग्स है, इनफैक्ट इंप्रूव हो रहे हैं रेटिंग्स भी, सो ओवरऑल ये स्टॉक बहुत बढ़िया है। 360-370 के टारगेट्स लगाए, ऊपर के लेवल्स 345 के दिखाया हुआ है, उसके सामने करेक्ट भी हुआ तो अपने मूविंग एवरेजेस जो 200 डे में वहां पे अच्छा खासा सपोर्ट लेके वापस से बाउंस बैक करते हुए दिखा, सो आई फील कि 360-370 के टारगेट्स 6-9 महीने की अवधि के लिए बिल्कुल अचीव हो सकते हैं।